हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। चलिए दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं अशोक लाइलैंड के बारे में। देखिए दोस्तों, अशोक लाइलैंड एक छोटा स्टॉक है। देखिए, कुछ इसमें नेगेटिव पॉइंट है और कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। हम जो है कि देखिए, हम आपको क्यों बोल रहे हैं ये सब जो है कि, चलिए हम फटाफट जो है स्टॉक के ऊपर आएंगे, स्टेप वाइज स्टेप जो है कि डिस्कस करेंगे। प्लीज़ जो है कि आप वीडियो को स्किप मत करना और पूरा वीडियो को देखना। चलिए दोस्तों, हम फटाफट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम आ गए स्टॉक के ऊपर जो है। सबसे पहले इनके कुछ हम ओवरव्यू लेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बता, देखिए 35,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। दूसरा, 120 रुपये इनका करंट प्राइस चल रहा है। 154 रुपये का बीच में कंपनी ने 150 का जो है कि 154 का जो है कि हाई लगाया था, और 93 रुपये इनका लो है। देखिए, हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे जो है कि यहाँ 93 रुपये पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, लेकिन क्या है दोस्तों कि अभी क्या है कि 93 रुपये आएगा कि नहीं, वो सब बातें जो है कि बाद में होगी। लेकिन चलिए फटाफट जो है कुछ पहले फास्ट में जो है कि ओवरव्यू ले लेते हैं, जो कि वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। 25 का इनका बुक वैल्यू है। डिविडेंड भी कंपनी कुछ पे करती है। आरओसी जो है 5 का है, आरओई जो है 2 का है, 10 का माफ करना 1 का फेस वैल्यू है। देखिए दोस्तों, जो है कि मार्केट में दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब आपसे कहना चाहते, देखिए हैवी बस उसके मामले में जो है कि हैवी ट्रक बस जो है कि अशोक लाइलैंड बनाते हैं। नो डाउट दोस्तों, टाटा मोटर भी बनाते हैं। लेकिन क्या है कि हम आपसे बताना चाहते, देखिए टाटा मोटर अभी जो है इनको प्रॉफिट में आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अशोक लाइलैंड जो है कि रिसेंटली में हो सकता है इस क्वार्टर या अगले क्वार्टर में जो है कि प्रॉफिट में आ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता, जैसे ही प्रॉफिट में आएंगे ना, ये आपको 150 से नीचे स्टॉक मिलेगा नहीं मेरे हिसाब से। देखिए दोस्तों, जो है कि ये सब सारी कंपनियां जो है सेल्स तो कर रही है, लेकिन क्या है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, इस समय जो है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, इसलिए जो है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में अनसर्टेनिटी मची हुई है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बता, देखिए ये जो कंपनी है अभी 122 करोड़ के आसपास जो है कि माइनस में है, इसलिए जो है कि इस बार हो सकता है इनके, चलिए पैनल को भी देख लेते हैं। देखिए पैनल में हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए ये जो है कि 2014 से इनके पैनल को चेक करेंगे। देखिए पहले जो है कंपनी जो है कि 164, 134, 600, फिर देखिए कंपनी पहले क्या है प्लस में चल रही थी, उसके बाद ये दो साल से जो है कंपनी जो है कि माइनस में चल रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको टाटा मोटर में थोड़ा बहुत पैसा, देखिए टाटा मोटर दोस्तों अच्छा है, गेम चेंजर है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं टाटा मोटर को तो आपको छोड़ना नहीं, लेकिन अशोक लाइलैंड को भी बीच में रखना है, क्योंकि क्या है दोनों फर्स्ट और सेकेंड नंबर की कंपनी है अपने सेक्टर में। देखिए दोस्तों, कंपनी के पास जो है कि 7,000 करोड़ के आसपास जो है कि रिजर्व्स है, उसके बाद 25,000 करोड़ का जो है कि डेट है। डेट देखिए, ये सब बड़ी कंपनियां हैं, इनके लिए जो है कि हिंदुजा ग्रुप जो है कि बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो है कि हम पॉजिटिव वे में लेंगे। देखिए आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही डिस्कस करना चाहते हैं, देखिए क्या है कि यहाँ पे प्रमोटर ने अभी तक स्टेक को सेल नहीं किया है। दूसरा, FIs तो सारे शेयर में जो है सेलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ भी सेलिंग की है, कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते, देखिए जहाँ पे FIs ने सेलिंग किया है वहाँ पे जो है कि देखिए DIs ने एक्यूमुलेट किया। एक्यूमुलेट होने का मतलब कि आपसे बताना चाहते, देखिए 105 रुपये और 100 रुपये के आसपास आपको जो शेयर ना, कोई ऐसा शेयर वैसा शेयर नहीं है, अच्छा शेयर है, जिनके पास भी है चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पब्लिक ने भी कुछ माल को एक्युमुलेट किया, जिनके पास भी है होल्ड करें, और जिनको बाइंग करना है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिनको ओरेजिंग करना हाई लेवल पर खरीद लिए उनके बारे में भी बात करेंगे। चलिए हम फटाफट स्टॉक के चार्ट पे आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम आ गए अशोक लाइलैंड के ऊपर, जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताया, देखिए 120 रुपये करंट प्राइस चल रहा है, लेकिन कुछ इसमें खास बात क्या है, एक 5 दिन का इनका चार्ट देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, 5 दिन में कंपनी जो है 7 से 8% डाउन हो गई, उसके बाद एक महीने का देख लेते हैं। देखिए एक महीने में कंपनी 7 से 8% के आसपास जो है डाउन है, मतलब आपको बताना चाहते हैं इसके पहले कंपनी जो है कि 130 के ऊपर ट्रेड कर रही थी। 6 महीने में एक बार देख लेते हैं, देखिए 6 महीने में कंपनी जो है 20% के आसपास जो है डाउन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ खास बात आपको, जैसा कि हमने बताया ना, देखिए इसका जो 52 वीक का हाई था हमारे हिसाब से कि यही है कि देखिए ये जो है कि 6 महीने का ही है। चलिए एयरटेल डेट देख लेते हैं एक बार इनका। एयरटेल डेट में देखिए कंपनी जो है कि 5% के आसपास, मतलब कि आपको बताना चाहते, देखिए बहुत ज़्यादा स्टॉक देखिए एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। आप चाहे तो यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, मतलब 100 के नीचे तो आ नहीं रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए 100 के नीचे आने का मतलब क्या है हमारे हिसाब से, जो है कि अगर आपको 105 रुपये के आसपास या 110 रुपये के आसपास मिलता है तो आप चाहे तो बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए एक साल का एक बार देख लेते हैं। देखिए एक साल में कंपनी जो है कि पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, मतलब पॉजिटिव ट्रेड करने का मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ जो है कि अप डाउन, मतलब आपसे बताना चाहता है कि आप चाहे तो 20% के आसपास इसमें रिटर्न निकाल सकते हैं आराम से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए हिलेगा तो मिलेगा का रूल्स यही है कि अपने को अगर कोई ऐसा स्टॉक अपन बाइंग करने जा रहे हैं कि जिसमें जो है कि क्या है कि शॉर्ट टाइम के लिए अपन गए, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है या उसका जो है फ्यूचर नहीं है, तो उसमें अगर अपन वो डाउन अपने बाइंग प्राइस से नीचे आ गया तो अपन उसमें क्या है होल्ड कर सके, ऐसा अपना जो है कि रूल्स है।
देखिए दोस्तों, 5 साल में जो है कंपनी दोस्तों नो डाउट दोस्तों कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दी, मतलब 40% के आसपास दोस्तों कुछ भी रिटर्न नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहिए, देखिए यहाँ पे जो है कि जिन्होंने 2 साल पहले मतलब कि 2020 में निवेश किया होगा, वो समझ लीजिए कि उनका पैसा 225% का कंपनी रिटर्न बना के दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मैगजीन चार्ट पैटर्न देख लेते हैं एक बार इनका जो है कि मैगजीन चार्ट पैटर्न में जो है कंपनी ने, देखिए मैगजीन चार्ट पैटर्न में कंपनी देखिए बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं, देखिए ये वाले लेवल को अभी तक कंपनी तोड़ नहीं पा रहा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, देखिए अभी तक आपने बाइंग नहीं किया है तो आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, जिनकी मर्जी है बाइंग कर लीजिए। देखिए इसके रिजल्ट के ऊपर मत जाइए कि रिजल्ट कैसा आ जाएगा। हाँ, इस समय क्या है, थोड़ा मार्केट में अनसर्टेनिटी है, इसलिए आप जो है कि बहुत ज़्यादा इसमें अमाउंट मत फंसाना। हाँ, 2000-3000 रुपये देखिए दोस्तों आप लगा ही कितना रहे, 2000-3000 रुपये लगा के थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, मुझे जो है कि लो साइड में जो है कि ये नीचे आ सकता है, तो मतलब 110 रुपये या तो 105 रुपये लास्ट है, इसका बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है माहौल इसलिए। और जाने के लिए आपसे बताना चाहते हैं, देखिए 130 रुपये आप अगर 105 पे ख़रीद रहे हैं तो 130 और 40 का आप समझ के चलिए कि जो है कि 20-30% के आसपास आपके पास रिटर्न कमाने का मौका है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप चाहे तो एक रिस्क ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।